और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां नव भारत पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश कार्यालय गोमती नगर में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई वो सबसे अहम रहा कि जनता के लिए काम करेंगे, इसी को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुद्दा ये रहा कि जनता के अधिकारों को उनको दिलाना है और आम नागरिक पत्रकार पर भी चर्चा हुई। यानी आम नागरिक पत्रकार बनने के बाद में अगर उसका किसी भी विभाग के माध्यम से शोषण होता है तो उसको अधिकार दिलाने के लिए नव भारत पत्रकार एसोसिएशन काम करेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोमती नगर में, जो कि नव भारत पत्रकार एसोसिएशन का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह राष्ट्र महासचिव हैं, मोहम्मद अयाज खान वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, संजय राय राष्ट्र सचिव हैं, श्रीकांत यादव प्रदेश प्रभारी हैं, राखी निगम राष्ट्र सचिव प्रदेश उपाध्यक्ष महिला। ये जो इनका एसोसिएशन है, किस तरीके से कार्य करना चाहता है फील्ड में, क्या क्या करना चाहता है पत्रकारों के लिए, नागरिकों के लिए, आइए इनसे इनकी राय लेते हैं, जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए, आप मतलब फील्ड में जनता के साथ मतलब क्या करना चाहते हैं, जनता को सरकारी योजनाओं की जो या उनका अधिकार का हनन ना हो, कैसे आप क्या करना चाहते हैं? हमारा जो एसोसिएशन है ये चाहता है कि समाज में एक अच्छी छवि वाले अच्छे पत्रकार की स्थापना करना और उनको समाज से ढूंढ कर जो भी समाज की समस्याएं हैं उनको अच्छी तरह से सरकार तक और उनके जो पदाधिकारी तक पहुंचाने के लिए हमारा संगठन कार्य कर रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी इस संगठन का मेन मुद्दा है कि समाज में जो दो तरह की पत्रकारिता होती है उसमें से हम अच्छी छवि के पत्रकार को लेके आए। मैं श्रीकांत जी से पूछना चाहूँगा, श्रीकांत जी बताएंगे कुछ इसके बारे में। देखिए, हमारा इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग नव भारत पत्रकार एसोसिएशन जो है एक मुहिम चला रहा है सिटीजन रिपोर्टर के रूप में, कि हर नागरिक अगर रिपोर्टर बन जाएगा, जागरूक हो जाएगा, पत्रकारों को जान जाएगा, तो कोई भी थाना अध्यक्ष हो चाहे कोई भी विभाग हो उसका शोषण नहीं कर पाएगा। तो इसी को लेकर हम लोग एक सिटीजन रिपोर्टर का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं जगह जगह, ताकि हर नागरिक हमारा पत्रकार हो जाए, अपने अधिकारों को जान सके। अयाज खान जी, कैसे कैसे आप जो सरकार की योजनाएं हैं जनता के सामने पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने संगठन में जो कार्य नया शुरू किया है हमने सिटीजन रिपोर्टर वालों, तो ये एक लोगों तक जानकारी पहुंचाने का माध्यम बनेगा। पहले हम इन्हीं लोगों को प्रशिक्षित करेंगे सिटीजन रिपोर्टर के तौर पर, और सारी योजनाओं का जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, समय समय पर चलाई जाती रही है, उनकी जानकारी उनके माध्यम से उनके क्षेत्रों में हम लोगों को पहुंचाएंगे, जिससे लोग हमारे जागरूक होंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे और अधिक से अधिक लोग इसमें आगे आएंगे और धीरे धीरे हमारा जो कार्यबल है वो बढ़ेगा और अच्छी छवि के लोगों को ही हम आगे और ले जाना चाहेंगे साथ में, ताकि हमारा संगठन का नाम भी ऊंचा हो। और जो एक मकसद होता है एक समाज का, एक प्राणी होने के नाते, क्योंकि समाज जो हो व्यक्तियों के समूह को ही समाज कहते हैं, अगर व्यक्ति अच्छे होंगे तो एक अच्छा समूह भी तैयार होगा और अच्छे समूह के साथ अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ मौजूद है राखी निगम जी, जो कि पेशे से पत्रकार जी हैं। राखी जी, आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि जैसे पत्रकारिता का शोषण समाज में हो रहा है, हमारे संगठन का मेन मुद्दा, नव भारत पत्रकार एसोसिएशन का मेन मुद्दा ये है कि हम इस शोषण को मिलकर रोकें, मिलकर आवाज उठाएं। कि जैसे कि कहीं घटनाएं होती हैं, यदि हमें पता भी है कि सामने वाले के साथ ये घटना होने वाली है, तो हम उस घटना का इंतजार न करके उसके प्रति आवाज उठाएं। शासन प्रशासन जहां तक उस विभाग में, जहां तक हमारी पहुंच है, हम अपनी बात को पहुंचाकर उस होने वाली घटना के लिए रोकथाम करें और इस संगठन के माध्यम से अच्छे पत्रकारों को जोड़ें, जो कि पत्रकार की छवि को खराब ना करें। बस यही हमारे संगठन का मेन मुद्दा है, जिसमें हम चाहते हैं आप सब मिलकर हमारा साथ दें, नव भारत पत्रकार एसोसिएशन का मिलकर साथ दें। बस यही हमारा एक मेन कार्यबल है, जिससे आप भी अगर हमारा साथ दोगे तो हम इस कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। समाज का हर नागरिक अभिव्यक्त का अधिकार चाहता है और वो अधिकार जो है संवैधानिक रूप में संविधान में प्रदत्त है, लेकिन यहाँ की राजनीतिक प्रणाली ने एक ऐसी पत्रकारिता को विकसित कर दिया है जिसका लाभ समाज को नहीं मिल रहा है। समाज में जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका पत्रकारिता के माध्यम से समाधान अब संभव नहीं है, इसलिए नव भारत पत्रकार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि नागरिक पत्रकारिता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर हर क्षेत्र में
समाज के हर ब्लॉक से, वार्ड स्तर से नागरिक पत्रकार तैयार करेगा और वो नागरिक पत्रकार जो है संवैधानिक अधिकार के जो अव्यक्त का अधिकार है उसको लेकर वो समाज की समस्याओं को हल करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमारे घर के आसपास कोई घटना हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, कोई बीमार है उसकी दवा नहीं हो रही है, कोई बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है, कहीं हत्या की स्थिति बन रही है, कहीं किसी परिवार में आत्महत्या की स्थिति बन रही है, ये बातें जब घटित हो जाती हैं तब टीवी पे दिखती हैं और अखबार में छप जाती हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं होता है। नागरिक पत्रकार की भूमिका होगी कि ये घटना घटित होने से पहले इससे संबंधित जो सरकार के डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, उस डिपार्टमेंट को नागरिक पत्रकार संवैधानिक रूप से सूचित करेंगे और वहाँ से कार्रवाई होगी ताकि ये समस्याएं न हों।